नमस्ते सभी को। तो हम लोगों ने अभ्यास दो शुरू किया था और अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने स्वयं और शरीर इन दोनों के बारे में थोड़ी बातचीत की, थोड़ी जांच परख की, दोनों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया, क्रियाओं का अध्ययन किया, रिस्पॉन्स का अध्ययन किया। अब एक एक स्टेप पे हम लोग जाकर ऑब्जर्वेशन करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अभ्यास एक किया था। अभ्यास एक में हमने स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का काम किया था, अपने भाव के प्रति सजग होने का, फिर उसका मूल्यांकन करने का, फिर उसमें परिमार्जन करने का, फिर यह सुनिश्चित करने का कि जीना हमारा इसी के साथ हो, संबंध के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, सहअस्तित्व के भाव के साथ। तो अभ्यास एक को बनाए रखते हुए हमें अभ्यास दो को करने की जरूरत है। तो अभ्यास एक को बनाए रखते हुए अभ्यास दो करना है ना। तो आप पाएंगे कि अभ्यास एक को करते हुए यदि हम अभ्यास दो करते हैं तो ज्यादा सटीकता से हो पाता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते हैं। तो सजगता के साथ अब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप पे अभ्यास दो को कर रहे हैं। उसमें कल स्टेप वन पे हम लोगों ने बात की थी थोड़ी सी, हमने दो वास्तविकताओं को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया था। तो मैं एक वास्तविकता हूँ, शरीर एक वास्तविकता है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? तो मैं किन क्रियाओं को देखता हूँ उसके आधार पर तय हो पाता है कि मैं हूं, मैं हूं। ये बात मैं कैसे तय करता हूँ? तो अपनी क्रियाओं को देखकर मुझे किसी वस्तु के होने का पता कैसे चलता है? जैसे अपने आप से शुरुआत करें तो मुझ में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको देखते हुए मैं तय कर पाता हूँ कि मैं हूं। वैसे ही शरीर है, ये कैसे पता लगता है हमको? तो जो शरीर से संवेदना मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर मैं तय कर पाता हूँ कि शरीर है। इसको हम लोग और विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं। तो मैं एक वास्तविकता हूँ, शरीर एक वास्तविकता है, ये दोनों अलग अलग वास्तविकता हैं। ये जब अलग अलग कहा तो यहाँ पे अपने अंदर थोड़ी और जांच परख करने की जरूरत है, क्योंकि तो अभी हम ये तो देख पाते हैं किसी सीमा तक कि मैं हूँ, शरीर है ये भी पता लगता है, बट ये दोनों अलग अलग है। एक है शरीर की कोई विशेष क्रिया हूं मैं, या शरीर पे ही कोई अन्य वस्तु का प्रभाव हूं मैं, ये सब चीजें शोध का विषय रह जाती हैं। और यहाँ पे हम कई बार मानकर काम चला रहे होते हैं, परंतु ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं अपने आप को जैसा है वैसा देख पाऊँ। इसको लेकर कल हम लोगों ने असाइनमेंट भी लिया था। तो मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना बनता है। तो स्वयं से जो स्वयं में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको देखना बनता है, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको देखना बनता है, उन क्रियाओं की जो मुझे सूचना मिल रही है उसके माध्यम से मैं शरीर की क्रियाओं को देख पाता हूँ। इन दोनों की क्रियाओं को देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देती हैं, इनका होना भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, है ना। इसको और थोड़ा ध्यान देंगे तो इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे थोड़ी बारीकी से कि मैं शरीर के साथ हूं परंतु शरीर में नहीं हूं, शरीर का कोई अंग नहीं हूं। मेरा भी एक आकार है, जैसे शरीर का एक आकार है मेरा भी एक आकार है, और मैं अपने आकार को भी देख पाता हूं। तो जिस क्षण मैं अपने आकार को देख पाता हूं, ठीक, अपने होने को शरीर से भिन्न देख पाता हूं, उस क्षण ये शंका मिट जाती है कि दोनों एक हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि मैं निरंतर हूँ, ठीक है ना, पढ़ी हैं, जैसे हम लोग आत्मा शब्द को सुनते रहे हैं, जीव शब्द को सुनते रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी भी हैं। उसको अब सीधा सीधा देखना बनता है। तो अभ्यास दो में कई ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, चर्चा भी की हुई है, उसको एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह सीधा सीधा देखना बनता है। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया, जब हम सेल्फ को देखते हैं तो बॉडी को दिखता है एक शेप और एक आकार, परंतु सेल्फ का कोई आकार दिखता है तो वो बॉडी के ही रूप में समझ में आता है। अंदर भी ऐसा लगता है कि कई बार जैसे हम
कहते हैं ना कि शरीर से बाहर निकल करके शरीर को देखिए, तो लगता है कि उस सूक्ष्म शरीर का जो आत्मा का आकार या जो कुछ भी है वो शायद इस बॉडी के शेप जैसा ही होगा, और वो इस स्थूल शरीर को देख रहा है। तो ये बात थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि सेल्फ के आकार को कैसे हम समझ रहे हैं या सेल्फ के स्वरूप को कैसे हम समझ रहे हैं। दिखाई तो पड़ता है, एग्जिस्टेंस दिखता है, पर स्वरूप नहीं स्पष्ट होता। तो मैं का एक आकार है, ये तो हम तभी देख पाते हैं जब हम उस आकार को ध्यान देते हैं। तो अभी हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मैं पूरे शरीर के विस्तार में फैला हुआ हूँ, ठीक है ना। अभी तो हम उस आकार के बारे में, उस प्रकार के बारे में कुछ कुछ चीजों को सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, परंतु वो एक मानने के आधार पर चल रहा होता है। तो उसमें एक अभ्यास तो ये कर सकते हैं कि मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देखने का प्रयास करूं। तो यदि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के साथ हूं, तो मैं शरीर के साथ अपनी दूरी को घटा बढ़ा सकता हूं। तो शरीर से अपनी दूरी को यदि हम थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें, तो आपको पता लगेगा कि जिस स्थान पर शरीर है उस स्थान से मैं शिफ्ट भी हो सकता हूँ, और जब ऐसा होता है तो मुझे अपना होना एक आकार के रूप में स्पष्ट होने लगता है। मैं अभी पूरे शरीर के विस्तार में फैला हुआ हूँ। मैं अगर निर्णय लेता हूँ तो मैं उस विस्तार को कम भी कर सकता हूँ, यानी मेरा विस्तार पूरे शरीर के विस्तार में फैला हुआ ना हो तो मेरा आकार बदल भी सकता है। ये सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। इन प्रयोगों के आधार पर मुझे अपना एक आकार के साथ शरीर से भिन्न होना दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है। ये स्टेप वन है, इसलिए अभी उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहे। तो पता लगेगा कि मेरा जो आकार है, जो शरीर का आकार है, अभी एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि मैंने शरीर को स्वीकारा हुआ है, शरीर के संरक्षण के भाव को बनाया हुआ है, और इसलिए शरीर के किसी भी अंग में कोई भी व्यतिरेक ना हो जाए, इसके लिए पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ। असल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा सन 1991 में, और एक्सीडेंट जी जी और उस एक्सीडेंट में स्थिति ये बने कि मेरे 3 साथी एक्सपायर हो गए थे स्पॉट पे, और उसके बाद मेरे को भी उसमें बहुत चोटें आई थी। एक करीब आधे घंटे पहले से मेरे को उस एक्सीडेंट के पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, और बार बार मना कर रहा था अपने साथी को कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम रखो तुम। तो एक मित्रवत रूप से रहा तो मैं, डर ज्यादा लगता पीछे बैठ जाओ, तो मैं पीछे बैठ गया और वो एक्सीडेंट हुआ। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उसमें ये हुआ कि हम लोग की गाड़ी जो थी वो 22 फुट नीचे घाटी में गिर गई थी। मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन बहुत चोटें थी। अभी मैं पूरा विकलांग हूँ इसी चक्कर में। तो ये हुआ था सर भैया कि एक ऐसी अवस्था आई थी, बेहोशी की हालत ही थी, लेकिन एक ऐसा दौर गुजरा बीच से जब ऐसा लगता रहा जैसे मैं अपने आप को पूरा देख रहा हूँ, और ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे कोई सामने आप किसी वस्तु को देखते हैं, ऐसे ही मैं अपने आप को देख रहा था। लेकिन बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैं अपने चारों तरफ से अपने आप को देख रहा था। ये शेयरिंग मैंने कभी की नहीं ज्यादा किसी से, लेकिन अब आज चूंकि सेल्फ और अपने पर बात होती है तो कुछ अनुभव जो कर रहे थे उसमें मुझे बहुत ज्यादा घटनाएं रिपीट होने लगी, तो मैंने सोचा कि उस पर आपसे बात करूंगा। मैंने इसको कुछ जगह मतलब पूछा है किसी व्यक्ति से, क्योंकि तो उसके बाद जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, मेरे आंतरिक तल पर तो घटी, और ऐसी ऐसी घटी कि मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हो पाया किसी भी चीज से। शारीरिक रूप से भी बहुत सारे परिवर्तन आए उसके बाद, लेकिन ये था कि मैं पूरा चारों तरफ से अपने आप को देख रहा था, और मतलब ये नहीं लग रहा था कि मैं देखने का सोर्स क्या है। जैसे आंख से सामने देख रहे तो पीछे का नहीं दिख रहा है, ये ऊपर का नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे चारों तरफ से एक साथ दिख रहा था, और ऐसी दूरी दिख रही थी शरीर से। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वहां जो घटनाएं हो रही थी, इसको उठाओ, इसकी मुंडी ऐसी करो, उसका पैर वैसा करो, वो मुझे सुनाई दे रहा था, सोर्स कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और इसके बाद फिर कोमा थी, 4 महीने की कोमा थी, 18 महीने हॉस्पिटलाइज रहा मैं। उस वक्त मुझे ये सब याद नहीं आया, अब कैसे मैं अंदर आया या मैं बाहर था या मेरा वो कोई सपना था, ये मैं तय नहीं कर पाया। और बहुत सी धारणाएं भी उस समय टूटी भी, लेकिन वो सब तो उस समय नहीं था ऐसा कुछ भी, वो बस एक ऐसा था और जिंदा बच गया बहुत मुश्किल। उसके बाद जब मैं बिस्तर में था, मैं करीब 3-4 साल बिस्तर में रहा, चित पड़ा रहता था एक जगह, तो धीरे धीरे मुझे एक घटना
उस 4-5 साल के बाद याद आना शुरू हुई कि ऐसा एक बार दिखा था, ऐसा कुछ हुआ था। फिर लोगों से पूछा कि ऐसा क्या था, तो मालूम पड़ा हाँ ऐसा थे, वो लोग थे, ऐसे थे, वैसे थे। तो ये सेल्फ के मामले में जब भी मैं कुछ अनुभव करने की कोशिश करता हूँ तो वो घटना मुझे बहुत जबरदस्त रिपीट होती है और उस वक्त मुझे बहुत चित्र मानसिक स्थिति बनने लगती है। मैंने ये मतलब इसमें मैं क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि कल भी मैं इसको देख रहा था अपने आप में तो एक ऐसी स्थिति आई कि लग रहा था कि जैसे बहुत भिन्नता महसूस होने लगती शरीर से, बहुत भिन्नता। और उसके बाद दूसरा अनुभव ये होता है कि मेरे पेट में बहुत खराबी आती है, लूज मोशन होने लगते हैं, कुछ कुछ तकलीफें टाइप की होती है शरीर में, कुल बात ये है। और इसमें कोई मनोरोग टाइप का है नहीं, क्योंकि मैंने खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, मैंने बहुत सारे लोगों से भी इसकी चर्चा की थी अपने गुरुओं से, तो उन्होंने कहा नहीं इसका तो कुछ नहीं है, वे बियॉन्ड एक्सपीरियंस कह सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब देखता हूँ मैं इसमें साक्षी ध्यान भी किया करता था, वो उससे संबंधित रहा हूँ मैं। साक्षी ध्यान जब मैं करता था तब भी मुझे ये प्रॉब्लम आती थी, मैं अक्सर ध्यान से उठ जाता था, क्योंकि वो जब भी ऐसा होता था तो मतलब हम आपको इसको सही शब्दों में वर्णित क्या करें, मतलब मुझे डर नहीं लगता, जिसको कहना चाहिए डर लग रहा है, डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा कुछ बेचैनी टाइप की होती कि लगता उठ जाओ, हो सकता मृत्यु भय ही हो वो। लेकिन बस एक शेयरिंग थी भैया ये जी। तो ये पॉसिबल है कि जब इस तरह कोई भयानक घटना घटती है, तो मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, शरीर आगे की ओर जा रहा है गाड़ी की तेज स्पीड के साथ, बट हमें ये सेंस हो रहा है कि अब एक्सीडेंट होगा और बहुत ही अनिष्ट घटना हो सकती है, तो हम अपने आप को तो पीछे रोकते हैं, परंतु उस मोमेंटम के साथ गाड़ी आगे चली जाती है, तो मेरे और शरीर के बीच में दूरी बदल जाती है। जैसे एक ही स्थान पे पहले बने हुए थे, ऐसा हो सकता है कि शरीर से मेरी दूरी बढ़ जाए, मैं पीछे रह जाऊं, है ना। तो वैसे ही अगर कोई ऐसी घटना हो गई और शरीर छत विच्छेद हो गया या शरीर में कोई चोट लग गई, तो थोड़ी देर के लिए तो स्पष्ट नहीं होता, कई साथियों ने शेयर किया है, तो थोड़ी दूरी से ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं शरीर को, दूरी मतलब निश्चित रूप से शरीर से बाहर आकर देख रहे हो जरूरी नहीं है, परंतु थोड़ा चूंकि स्थिति की स्वीकृति नहीं है तो उस अवसर पर शरीर को थोड़ा सा बाहर निकल कर देखने का प्रयास भी करते हैं, यानी कि वहां नहीं होते हैं जहां पर शरीर होता है पूरी तरह से, क्योंकि उस स्थिति की स्वीकृति नहीं है और स्पष्टता भी नहीं रहती है, कंफ्यूजन रहता है। तो जो आपने बताया कि शरीर में है ना जो कुछ भी चल रहा था उसको आप चारों तरफ से देख रहे थे, ये पॉसिबल है। ये भी हो सकता है इसमें कि कुछ वास्तविकता रही हो, कुछ हमारी अपनी कल्पनाशीलता से जुड़ गया हो, ये भी पॉसिबल है। तो उसको तो एज इट इज देखना बनता है। एज इट इज देखेंगे तो आप पाएंगे कि आकार रूप में तो आप शरीर से भिन्न है ही, अभी एक ही स्थान पे बने हुए हैं क्योंकि एक स्वीकृति बनी हुई है, परंतु जब लगता है ऐसी कोई घटना होने वाली है, खासतौर पर यदि कोई हाइट से गिर रहा हो, कोई तेज गति से आगे जा रहा हो और है ना अनिष्ट घटना हो रही हो, तो ऐसे अवसरों पर दूरी में घटना बढ़ना हो जाता है, ऐसा कई बार लोगों के ऑब्जर्वेशन में आया है। दूरी को हम अपने निर्णय से भी घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे निर्णय लें कि शरीर से थोड़ा सा मुझे शिफ्ट होना है, तो ये भी कर सकते हैं कि शरीर से थोड़ा सा हम अपनी दूरी बढ़ा लें, स्थान में एक ही स्थान पर ना बने रहें, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, तो बस यही है कि एक चैतन्य इकाई है, जड़ इकाई है, दोनों एक स्थान पर बने हुए हैं, बट दोनों एक तो नहीं है, तो दोनों के बीच की दूरी तो घट बढ़ सकती है। मृत्यु के बाद ये होता है कि भाई दूरी है ना हट गई, मतलब दूरी बढ़ गई बहुत ज्यादा और मैं वहां से हट गया, जितना ही होता है। तो ये मैं और शरीर का अलग अलग अंतर स्पष्ट होना तो आवश्यक है, ये स्पष्ट होता है तो हमें ये जो घटनाएं घटित होती हैं ये कोई रहस्य नहीं लगती, एक्सीडेंट, मृत्यु, कोमा इत्यादि इत्यादि, है ना, अपने को समझ में आता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, एक्सीडेंट शरीर का हो रहा है, मृत्यु शरीर की हो रही है, कोमा की स्थिति में शरीर जा रहा है, मैं तो जैसा हूँ वैसा बना हुआ हूँ, मेरी दूरी जो शरीर से है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है मेरे निर्णय के अनुसार, या जो निर्णय भले ही हमने होश पूर्वक न लिया हो, परंतु है ना दूरी घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो कल्पनाशीलता में आपके चलता है उस घटना को स्मरण करके, क्योंकि एक अप्रिय घटना थी, उसकी अस्वीकृति है, तो अंदर से रेस्टलेस होने लगते हैं और जो घबराहट या इत्यादि होती है उससे फिर डाइजेशन और इन सब पे फर्क पड़ने लगता है, तो क्वाइट पॉसिबल है। इसको अगर समझ लिया जाए तो वो पता लगा कि शरीर से तो मैं पहले से ही अलग हूँ, ठीक, जब जन्म हुआ तो शरीर के साथ जुड़ गए थे, उसके पहले तो अलग ही थे, फिर शरीर के साथ बने हुए हैं बट अभी भी अलग हैं,
बस एक सूचना का आदान प्रदान मिलके कर रहे हैं, मैं शरीर को सूचना दे रहा हूँ, शरीर से सूचना ले रहा हूँ, इतना ही है। मृत्यु के बाद फिर ये दूरी बढ़ जाएगी, कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है तो दूरी बदल जाती है। ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वही इसको अगर हम समझ लेते हैं तो फिर वो जो घटना है जो अप्रत्याशित थी वो समझ में आती है कि हाँ हो सकता है, हम रोज ही ड्राइव कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई घटना घट सकती है। आपको देखिएगा कि एक्सीडेंट तो एक बार होता है, बट कम से कम 100 बार ऐसा होता है कि लगता है कि अभी हो जाता बची, तो ये सब घटनाएं तो हो ही सकती है। और देखिए शरीर तो परिवर्तनशील है ही, इसमें तो परिवर्तन हो ही रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है, कभी कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो दुर्घटना इत्यादि हो जाती है, तो फिर उसके लिए जो भय है या घबराहट है वो चला जाएगा। तो स्टेप वन के गृह कार्य के रूप में देखें तो इन बातों को अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मैं हूँ, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि शरीर भी है, मैं इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा आंखों से देखकर या किसी और तरीके से, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मैं भी हूँ और शरीर भी है, क्या मैं ये आंखें बंद करके भी देख सकता हूँ, तो आज इसे दिन भर देखना है ना, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तो इसको हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं अपने आप में, ये जो गृह कार्य है स्टेप वन का, ये 4 स्टेप्स को अपने आप को देखें, ये स्वयं को देखना, शरीर को देखना, और ये देख सकते हैं कि है ना मुझे अपने होने का पता और शरीर के होने का पता, आंख खोल के भी चल सकता है, आंख बंद करके भी चल सकता है। अभी जितने उन्होंने बातें की वो उस चर्चा का उपयोग इतना है कि मैं और शरीर का अंतर हमको और स्पष्ट होने लगता है, इसलिए ये लगता है कि हाँ दोनों अंतर, दोनों में भिन्नता तो है, दोनों अलग अलग इकाइयां तो हैं, तभी इस तरह की घटनाएं हो भी सकती हैं। इसको हम अपने आप में देखें फिर इस पर बात करेंगे। जी तो बारीकी से देखेंगे तो अभ्यास एक को पूरा करने के लिए अभ्यास दो को पूरा करना जरूरी है, अदरवाइज हम ये नहीं देख पाते कि जो दूसरे का व्यवहार हुआ उसकी सूचना मुझे कैसे मिली और कब मैंने उसको अर्थ दिया, जो हम लोग इस अभ्यास दो में करने वाले हैं। तो ठीक है ना, अभी जितनी अपनी जिज्ञासा बन रही है, जितनी उत्सुकता बन रही है, उसको लेके चले और इसके आगे और काम करेंगे। भैया मैं को देखने का मतलब कल्पनाशीलता को हमने किया था, और शरीर को देखने का मतलब ये है कि शरीर की क्रियाओं को देख रहे हैं, उससे मिलने वाली संवेदनाओं को जान रहे हैं, ये उससे आगे मैं की क्रियाओं को देख रहे हैं, ये मैं को संपूर्णता में देखना नहीं हुआ, मैं को तो चैतन्य इकाई के रूप में जैसा है वैसा देखूं, तो मैं क्रियाएं हैं, मैं अन्य इकाइयों के साथ क्रियाशील है, मैं एक इकाई है और एक सीमित आकार की इकाई है, ये सारा कुछ देखना बनता है। सीमित आकार है, मैं का एक सीमित आकार है, या मैं का आकार जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है ना, उसको समय लगाना पड़ेगा। देखिए इतना तो निश्चित है कि आकार में सीमित है, जैसे आप कहीं हैं है ना, आप भीलवाड़ा में हैं, ठीक, मैं यहाँ पे NCR में हूँ, तो मैं स्थान में तो सीमित हूँ, मैं भीलवाड़ा में नहीं हूँ और आप NCR में नहीं है, तो यानी हमारे आकार की एक सीमा तो है नहीं, आप वहाँ पे भी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ उसी स्थान पे हैं, उस घर के बाकी जगहों पे तो नहीं है, और जब आप वहां से उठ के किचन की ओर जाएंगे, वॉशरूम की ओर जाएंगे, तो शरीर तो जाएगा ही साथ में, आप भी जाएंगे, तो आप शरीर के साथ बने हुए हैं है ना, और आप वहीं बने हुए हैं जहां आपकी आवश्यकता है, आप बाकी पूरे कमरे में फैल कर क्या करेंगे। तो हम अपने आकार की एक सीमा तय कर लेते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो शरीर के बहुत बाहर फैलने की भी जरूरत नहीं है और शरीर के कुछ हिस्सों को छोड़ देने की भी जरूरत नहीं है, जितने दूर में शरीर फैला हुआ है उतने दूर में तो शरीर का ध्यान रखेंगे ही ना, उतने दूर में तो अपने आप को फैला के रखेंगे, तो मेरा एक आकार भी है, तो ये तो निश्चित है, ये तो हम तर्क से भी देख सकते हैं कि शरीर मतलब मेरा एक सीमित आकार तो होना जरूरी है ना, मैं हर जगह फैल के क्यों रहूंगा, ठीक, और कहाँ रहूंगा, किस आकार में रहूंगा, ये भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं विचार से, फिर उसको सीधा सीधा देख भी सकते हैं। आप जैसे खड़े हैं तो शरीर का आकार बदल गया है ना, अगर उसका शेप देखें तो बदल गया, बैठ गए तो आकार बदल गया, लेट गए तो आकार बदल गया, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आकार बदल गया, उन सब के साथ मेरा भी आकार बदल रहा है, मैं शरीर के साथ हूँ, मैं चल रहा हूँ, पाँव आगे गया, एक पाँव पीछे रहा, फिर पीछे वाला पाँव आगे गया, तो अगर आप शरीर के आकार को देखें तो हर बार तो बदल ही रहा है ना, मैं भी तो पाँव के साथ हूँ, शरीर आगे जा रहा तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं ही तो उसको लेके जा रहा हूँ, तो ये आकार में तो मेरे हर क्षण परिवर्तन हो ही रहा है, हर क्षण कहें या बार बार परिवर्तन तो हो ही रहा है, शरीर में जैसे परिवर्तन हो रहा है मुझ में भी हो रहा है। दूसरी तरह से अगर देखें तो बचपन में मेरी जो हाइट थी वो 2.5-3 फुट रही होगी है ना, अब कुछ अलग हाइट हो गई है,
तो शरीर का जैसे जैसे वो साइज बढ़ा वैसे से मेरा भी साइज बढ़ा, तो शेप एंड साइज ये दोनों बदल रहे हैं शरीर के, ठीक वैसे मेरे भी शेप और साइज बदल रहे हैं। मैं शरीर को संरक्षण दे रहा हूँ, शरीर के साथ बना हुआ हूँ, जहाँ शरीर है वहां बना हुआ हूँ। अभी घर पे हूँ, थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो शरीर को ले जाना है तो मैं ही तो ले जाऊंगा, शरीर के साथ जाऊंगा। तो हम सब का एक सीमित आकार है, चैतन्य इकाइयां हैं हम सब। ये आकार दिखाई तो नहीं दे रहा है ना शरीर, तो शरीर शरीर के साथ हम उसको महसूस कर रहे हैं, जहाँ शरीर जा रहा है वो जा रहा है, जहाँ शरीर बैठा है वहां बैठा है, लेकिन उसके आकार को तो उसका आकार अलग से तो कुछ दिखाई नहीं देता, शरीर का आकार ही दिख रहा है भैया। देखिए जिसको आप अभी देखना कहते हैं वो तो संवेदना को पढ़ना है। जैसे आप कहते हैं कि सामने कुर्सी है, तो कुर्सी का जो दृश्य है वो आंखों में बना, ठीक वो दृश्य आंखों से ब्रेन तक गया, ब्रेन से आप तक पहुंचा, आपने संवेदना को पढ़ा, फिर आपने तय किया कि ये कुर्सी है, उसको अर्थ दिया आपने कि ये कुर्सी है, ठीक। तो अभी हम इसी को देखना मानते हैं जो आंखों में दृश्य बनता है, परंतु अगर आप ठीक से देखें तो ये तो बहुत लोअर लेवल पे देखना हुआ, आस्वादन के स्तर पर, हम आस्वादन के स्तर पर भी देख सकते हैं। अब जैसे कुर्सी बैठने काम आती है, ठीक इस कुर्सी पे जोर से कोई चीज पटक दी जाए तो टूट जाएगा, प्लास्टिक की कुर्सी है। अब ये सब चीजें तो हम अपने विश्लेषण से तय कर रहे हैं, कुछ घटनाओं को पहले भी हमने आस्वादन किया है, बट उसको हम अपने विचार में तय करते हैं कि हाँ ये कुर्सी बैठने काम आती है, इस रूप में अगर रखा जाए तो बैठा जा सकता है, उस रूप में रखा जाए तो बैठा नहीं जा सकता। अब ये सब विचार में तय कर रहे हैं, ये भी देखना है। फिर भाव के स्तर पर भी देख सकते हैं किनको इस कुर्सी बैठाना है किनको नहीं बैठाना है, भाव के स्तर पर हम देखते हैं। उससे और आगे जाएं तो व्यवस्था के स्तर पर देखते हैं, तो इसको शून्य में संपृक्ति भी देखते हैं। तभी हम जिसको देखना मानते हैं वो तो सिंपली आस्वादन के स्तर पर जो सूचना मिलती है उसी को देखना कहते हैं, वो भी है देखना। उसे मेयरली देखें तो रूप का देखना है, गुण को देखने के लिए विचार में जाने की जरूरत है, संबंध को देखने के लिए इच्छा में जाने की जरूरत है, इच्छा के स्तर पर देखने की जरूरत है, व्यवस्था को देखने के लिए व्यवस्था के स्तर पर देखने की जरूरत है। तो ऐसे देखने को भी हम कई चरणों में देख सकते हैं कि किसे देखना कह रहे हैं। अभी तो खाली रूप के आस्वादन को देखना कहते हैं, तो रूप का आस्वादन नहीं हो रहा क्योंकि ये जो मेरा रूप है वो शरीर के आस्वादन में नहीं आएगा, शरीर के द्वारा आस्वादन में नहीं आएगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा। अब इस समय एटम को पढ़ते रहते हैं, एटम है बोलते रहते हैं करंट साइंस में, किसने एटम को आंखों से देखा है, किसी ने देखा। लाइट है हम बोलते रहते हैं, लाइट को किसने आंखों से देखा है। एनर्जी है हम बोलते रहते हैं, किसने एनर्जी को आंखों से देखा है। प्रभाव भर देखते हैं, उस प्रभाव का हम आस्वादन करते हैं आंखों के माध्यम से या दूसरे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, बट वो है हम कहते हैं शून्य है, स्पेस है, हम कहाँ आंखों से देख पाते हैं। तो अभी आंखों से देखने को ही हम सब कुछ मानते हैं, अब धीरे धीरे हम इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर ठीक से कहा जाए तो आंखों से हम देखते नहीं है, आंखों से आस्वादन भर करते हैं, देखता मैं हूं जब मैं उसको अर्थ देता हूँ, ये मेरा संबंधी है कि विरोधी है। आंखों से उसका रूप दिखाई दिया, अर्थ मैंने दिया कि संबंधी है कि विरोधी है कि नहीं। तो मेरा संबंधी आज आया है घर पर कि विरोधी आया है, ये तो मैं देखता हूँ, आंखें थोड़ी देखती हैं। अच्छा आंखें तो देखती भी नहीं है, आंखें तो बहुत ही रासायनिक इकाई है जिसके माध्यम से सूचना मिलती है। इस पर हम लोग चर्चा कंटिन्यू करेंगे, समय हो चला है। तो आज अभ्यास रूप में इस काम को हम करें, ये जो चार बातें यहाँ लिखी गई हैं, और यही हमारे लिए असाइनमेंट रहेगा आज। अच्छा से यहाँ रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।